इस अप्रोच को मैं पूरी तरह से कंडम करता हूं। लेकिन सभी सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी, इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं अध्यक्ष महोदय, अफवाहों के आधार पर होती हैं, संदेह पर के आधार पर होती हैं, अनवेरिफाइड जो फेक न्यूज होती हैं उनके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर जो है प्रभावी वह कार्रवाई करें, क्योंकि पुलिस हो अथवा जो है यह पब्लिक ऑर्डर हो, यह स्टेट सब्जेक्ट है, यह सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यह स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साध कर नहीं बैठ सकती। लगातार जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तो तुरंत हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक बार नहीं दो बार, एक बार तो 2016 में भी एडवाइजरी जारी की गई और फिर 2018 में जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। और जैसा अध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से फेक न्यूज प्रोपगेट करने की कोशिश की जाती है उसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी यह कहा है कि ऐसे फेक न्यूज र्यूमर रोकने के लिए अपने सिस्टम में वह चेक्स इंस्टॉल करें। यह जो सोशल मीडिया जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर को भी हम लोगों ने कहा। और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है और इस संबंध में जहां पर भी घटनाएं हुई है शायद कुछ घटनाओं के बारे में ऐसा हुआ हो कि संबंधित मुख्यमंत्री से हमारी बात न हुई हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद और उसकी जानकारी मिलने के बाद तत्काल उन मुख्यमंत्रियों से भी मैं सीधे बातचीत करता हूं और उनसे मैं यही आग्रह करता हूं कि जो भी इसमें अपराधी हों उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।